मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 27 नित्य योग या फिर बर्थ योगा के ऊपर है। मतलब किसी भी पर्सन का जन्म एक पर्टिकुलर योग में होता है, तो उस योग के ऊपर भी आप उसके बारे में भी जान सकते हो बहुत कुछ और अपने बारे में भी जान सकते हो, हॉरोस्कोप पे जाए बिना भी आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगी, पर मुझे कुछ बात आप लोगों से करनी है कि ये कुछ मतलब प्रेडिक्शन की जैसा ये नहीं है। बहुत लोग मेरे इस वीडियोस को प्रेडिक्शन की तरह ले रहे हो आप लोग, क्यों? मैं यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन देने नहीं बैठती हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, मेरा नॉलेज शेयर करती हूँ, तो आप वैसे उसको समझ सकते हो। मतलब एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की तरह आप इसे लीजिए, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग पर्सनल प्रेडिक्शन एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गाइज, ओके? बिकॉज मैं आपको मतलब देखिए 27 नित्य योग में कुछ ऐसे योग भी है जो नेगेटिव योग है, तो आप इसको वैसे मत लीजिए कि मैं आपको पर्सनली जाके वो बोल रही हूँ कि नहीं आप ऐसे हो, तो उसको मतलब दिल पे लेके खराब मत मानिएगा, ठीक है? ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि इसको एज एन इन्फॉर्मेशन ही लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब मैं आपको पर्सनली जाके वो बात बोलूँगी, जब मैं आपका पर्सनल चार्ट रीड करूँगी, तब मैं आपको अगर बोलूँ तो आप वो पर्सनली ले सकते हो। बट इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो वो डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि मैंने वो आपका पर्सनल चार्ट देख के नहीं बोला है, ठीक है? और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल, प्लीज़ कर दो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती हूँ जो कि मतलब आप सिर्फ वॉच करके फिर छोड़ देते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक भी कर देना, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो हमेशा खुश रहिए, अपना जो कर्म है वो हमेशा सही रखिए, तो आपके साथ हमेशा बहुत बहुत अच्छा चीज़ ही हमेशा होगा, ठीक है? तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट योगा है विषकुंभ योगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है वो विषकुंभ योगा में होता है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, वेल्दी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इन लोगों का जो फैमिली लाइफ रहता है या फिर अगर सोशल लाइफ भी मैं कहूँ तो वो भी लगभग अच्छा ही रहता है। इन लोगों के जो एनिमीज़ होते हैं वो इनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं, मतलब शत्रुओं के ऊपर ये लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हुए ही देखा गया है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग योग ये माना जाता है ज्योतिष में, ठीक है? अब सेकेंड जो योगा है वो है प्रीति योग। अगर किसी भी पर्सन का जन्म प्रीति योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है दूसरों से, और इनकी खुद की पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा लवेबल, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहती है, और इन लोगों को ब्यूटीफुल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। और ये देखा गया है कि इन लोगों का जो रिलेशन है वो अपने ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर ये लोग अच्छे से मेंटेन करना वो जानते होंगे, और ये लोग काफ़ी अच्छे ओरेटर भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, एक जॉली नेचर रहता है, और इन लोगों का जो लाइफ है वो एक मतलब समृद्धि से भरा हुआ लाइफ इन लोगों को हमेशा मिलेगी लाइफ में, ठीक है? थर्ड जो योगा है वो है आयुष्मान योगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म आयुष्मान योग में होता है तो इन लोगों की जो आयु है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है, मतलब अच्छी आयु रहती है, इन लोगों का जो ओवरऑल हेल्थ रहता है वो भी अच्छा रहता है, और फिज़िकली बेसिकली ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन लोगों को पोएट्री, म्यूज़िक, ट्रैवल का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहता है, और इन लोगों को खाने का भी शौक़ रहता है, मतलब फूडी भी इन लोगों को देखा गया है, और फाइनेंशियली भी सिक्योर होते हैं।
तो अगर किसी भी पर्सन का जो जन्म है वो अगर सौभाग्य योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं। मतलब इन लोगों का जो लक फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा गया है। इन लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस और कंफर्ट की हर एक चीज़ें रहती है और काफ़ी ज़्यादा एक वेल्दी पर्सन होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। दूसरों से प्रशंसा भी इन लोगों को लाइफ टाइम में ज़रूर मिलती है। बेसिकली इन लोगों का जो लक फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म शोभाना योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग ब्यूटीफुल होते हैं, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहती है इन लोगों की, और इन लोगों के जो पार्टनर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। और ये लोग थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं, और ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। मतलब एक जो सेंशुअल थिंग है वो भी इनके पर्सनालिटी में देखा गया है। तो एक पैशनेट थिंग भी आपको इन लोगों के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी, पर कभी कभी वो ओवर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी भी पर्सन का जन्म अति गंडा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टकल्स रहती हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहती। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इनको लाइफ में देखना पड़ा होगा, एक्सीडेंट्स भी हुआ होगा लाइफ में कहीं ना कहीं। और पर इन लोगों का जो करेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छी विल पावर इन लोगों के अंदर देखी गई है। और पर लाइफ में थोड़ा बहुत पेन तो रहा ही होगा, और ये लोग थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, मतलब टेम्पर इश्यूज भी इन लोगों के अंदर देखा गया है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि थोड़े से मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के भी पाए गए हैं। एक्चुअली लाइफ के मतलब अप्स एंड डाउन्स का सामना करते करते थोड़े से इन लोगों का पर्सनैलिटी वैसा हो जाता है, पर दिल से ये लोग भी अच्छे होते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म सुकर्मा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और हमेशा मतलब जो सही है वही कर्म ये लोग करते हैं। और यहाँ पे ये लोग वेल्दी होते हैं, और इन लोगों का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर्ड पीपल ये लोग होते हैं। हमेशा एक करेक्ट पाथ को फॉलो करना ये लोग चाहते हैं, और चैरिटेबल नेचर के होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सात्विक गुण है वो इन लोगों के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा नोबल पर्सनालिटी इन लोगों का देखा जाएगा। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म धृति योग में होता है तो ये देखा गया है कि ये लोग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं अपने गोल को लेके, और इन लोगों को दूसरों से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। ये देखा गया है कि ये लोग हमेशा एक रूटीन लाइफस्टाइल ज़्यादातर फॉलो करते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब हम्बल वे में पेश आते हैं, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं। इन लोगों का जो फैमिली लाइफ रहता है उसमें भी पीस या फिर शांति देखी गई है, और ये लोग पेशेंस भी इन लोगों के अंदर देखी गई है। और पर कभी कभी ये भी देखा गया है कि मतलब दूसरों से इन लोगों को कुछ भी मनी गेन भी हो सकता है, तो मतलब ये ज़्यादातर देखा गया है, मतलब दूसरों से कुछ भी गेन होना ये इनके लाइफ में देखा जाएगा। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म शूल योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों के अंदर टेम्पर इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है, थोड़े से झगड़ालू किस्म के भी होते हैं। पर इन लोगों के लाइफ में मतलब डिजीजेस भी मतलब रोग जो हम बोलते हैं वो भी रह सकता है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम इन लोगों के लाइफ में रह सकता है, या फिर कुछ भी बॉडी पेन। हाँ, मतलब ये ज़्यादातर देखा गया है। बेसिकली जो मैंने झगड़ालू स्वभाव बोला है वो आप वैसे मत लीजिए, मतलब लाइफ में इन लोगों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा जिसकी वजह से इन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा वैसा मतलब क्रूड टाइप का शायद बन गया होगा, पर ये लोग भी दिल से अच्छे होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म गंडा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टकल्स रहे होंगे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ इनको जीवन में देखनी पड़ी होगी, और इन लोगों का थोड़ा बहुत टेम्पर इशू भी रह सकता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब समय के साथ साथ एक रफ़ और हार्ड नेचर इन लोगों का हो जाता है। मतलब थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सनालिटी ये लोग बन जाते हैं, और एंगर इश्यूज की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े से मतलब इनका लाइफ में इतना ज़्यादा इन लोगों ने शायद कुछ देखा होगा जिसकी वजह से इनका नेचर थोड़ा सा वैसा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाता है। ठीक,
अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म वृद्धि योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का जो इम्प्रूवमेंट है वो डे बाय डे होता रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। कोई भी चीज़ से कैसे प्रॉफिट अर्न करना है वो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आता होगा। मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, इन लोगों के अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती और दिन प्रतिदिन इन लोगों की जो सक्सेस है वो इनको लाइफ में मिलती रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब अगर किसी भी पर्सन का जो जन्म है वो ध्रुव योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की जो नेचर या पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेडी रहता है। मतलब एक स्टेडी कैरेक्टर्ड पर्सन होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करने की पावर रहती है इन लोगों के अंदर। किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करना जानते होंगे, वेल्दी होते हैं और मतलब अपनी मेहनत से वेल्थ इन लोगों को जनरेट करना आता होगा। इनका जो माइंड है वो हमेशा फिक्स रहता होगा किसी भी गोल की तरफ और वेल्थ, फेम, नॉलेज इन लोगों के पास हमेशा आएगी अगर ये लोग प्रॉपर वे में अपने जो विश्डम है उसका यूज़ करें तो। अब अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म व्याघात योग में होता है तो ऐसा देखा गया है इन लोगों के लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑब्स्टकल्स इन लोगों को देखना पड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इंजरी, मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी भी इनको हुआ होगा और ये लोग मतलब इसीलिए समय के साथ साथ थोड़े से वैसे मतलब रफ़ पर्सनैलिटी इन लोगों का रह जाता है और मतलब थोड़े से ये लोग फिर मतलब उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा योग तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर देखना पड़ा होगा। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म हर्षाना योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग नेचर्ड पर्सन होते हैं। मतलब हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल पर्सनैलिटी इन लोगों के अंदर देखी गई है, ज्ञान की कमी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऑर्नामेंट्स इन लोगों को पसंद हो सकती है या फिर कोई भी रिलीजियस बुक्स को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा ये लोग विश्वास करते होंगे, बहुत ज़्यादा पसंद होगा इन लोगों को। इन लोगों की जो बॉडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज किस्म के इंसान ये लोग होते हैं, ठीक है, जॉली नेचर्ड होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म वज्र योग में होता है तो ऐसा देखा गया है ये लोग भी फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्नामेंट्स इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल स्पीकर होते हैं। मतलब हमेशा सच बात बोलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, पावरफुल होते हैं, मतलब एक पावरफुल स्पीकर होते हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी रहती है। पर कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी ये लोग हो जाते हैं, मतलब थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल किस्म के, मतलब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि दूसरे ही पल ये लोग क्या कर बैठे, तो वैसे होते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म सिद्धि योग में होता है तो ऐसा देखा गया है इन लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। ये लोग दूसरों के हेल्प करते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये लोग काइंड हार्टेड होते हैं। इन लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है दूसरों के साथ और काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल पर्सनैलिटी रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्स इन लोगों के अंदर देखी जाएगी और बहुत कुछ सक्सेस इन लोगों ने लाइफ में अचीव किया होगा, अकॉम्प्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है इन लोगों के लाइफ में, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव योग है ये। अब अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म वैतिपात योग में होता है तो ऐसा देखा गया है ये लोग अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ा सा रफ़ नेचर्ड पर्सनैलिटी देखा गया है। मतलब थोड़े से फिकल माइंडेड होते हैं ये लोग, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते होंगे और इन लोगों के लाइफ में सडन कुछ भी प्रॉब्लम भी आ सकती है और ये लोग ना मतलब ठीक से डिसीजन नहीं ले पाने के कारण बहुत लोग इन लोगों को ईजिली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते होंगे, तो ऐसा भी देखा गया है। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म वैरियान योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद होगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग स्पेंड भी बहुत ज़्यादा खुले हाथों से स्पेंड करना हम जिसे बोलते हैं तो वैसे किस्म के होते हैं और थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ों के प्रति इंडल्जेंट यहाँ पर देखा जाएगा और थोड़े से इन लोगों को मतलब इन लोग वैसे तो ये लोग हम्बल होते हैं पर थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं रियलिस्टिक होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी आ सकती है।
अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म परीक्षा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है ये लोग वेल्दी होते हैं, पर थोड़े से ये लोग मतलब झगड़ालू किस्म के भी होते हैं। ये लोग एनिमीज़ के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इन लोगों को भी लाइफ में ऑब्स्टकल्स झेलना पड़ा होगा, पर उन ऑब्स्टकल्स को झेलते हुए ही प्रोग्रेस इन लोगों को लाइफ में ज़रूर मिला होगा। और ये लोग मतलब बहुत जल्दी इरीटेट भी हो जाते होंगे, छोटे छोटे चीज़ से इरीटेट हो जाना ऐसा देखा गया है। रेबेलियस नेचर भी आप इन लोगों के अंदर ज़रूर देख पाओगे, मतलब एक हमेशा एक बैटलिंग स्पिरिट में रहना ये आप इन लोगों के अंदर देख पाओगे। अगर किसी भी पर्सन का जन्म शिव योगा में होता है तो देखिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा काम नेचर्ड पर्सन होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है इन लोगों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और स्पेशली रिलीजियस चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का नॉलेज रहता है, फॉर्चुनेट होते हैं। इन लोगों को ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ सम्मान मिला होगा लाइफ में, या फिर अपने बॉसेस से भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला होगा, मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी इन लोगों का समाज में रहता है। और ये लोगों को सबसे बड़ी जो यहाँ पे पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि इन लोगों के ऊपर हमेशा शिव जी की आशीर्वाद बनी रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंग है यहाँ पे। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म सिद्ध योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का जो नेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये लोग पेश आते होंगे और इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर, और हमेशा ये लोग सच्चाई का साथ देते होंगे, सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत कुछ अकॉम्प्लिशमेंट इन लोगों का लाइफ में ज़रूर रहा होगा। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म श्राद्धा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन होते हैं ये लोग, और बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का जो नेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मैनर होते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत करना। और ये देखा गया है कि मंत्र उच्चारण इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता होगा, एक वर्चुअस पर्सनैलिटी आप यहाँ पर ज़रूर देख पाओगे। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म शुभ योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होते हैं, और यहाँ पे ये लोग हमेशा एक मतलब जस्टिस लविंग पर्सन होते हैं, फेयर डील में बिलीव करते हैं, और पर काफ़ी ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि थोड़े से अनहेल्दी भी ये लोग होते हैं, पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये लोग ब्यूटी लविंग पर्सन भी होते हैं, तो ये देखा गया है ज़्यादातर, और थोड़े से ये लोग सेंशुअल भी होते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म शुक्ला या शुभ्रा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की स्पीच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है, हमेशा ये लोग सच्चाई का साथ देते हैं, और यहाँ पे देखा गया है कि ये लोग मतलब डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों का जो माइंड रहता है वो स्टेडी नहीं रहता, एक अनस्टेडी माइंड यहाँ पे देखा जाएगा, इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करना ये भी देखा जाएगा, टॉकेटिव होते हैं, इन लोगों को आप कोई भी डिबेट में हरा नहीं पाओगे, तो ये ज़्यादातर देखा गया है। और पर काफी ज्यादा गुड मैनर्ड पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए अगर किसी भी पर्सन का जन्म ब्रह्मा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हाई एम्बिशंस रहता है, स्टूडियस होते हैं ये लोग और ट्रस्टवर्थी होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जज कर पाने की जो क्षमता है वो इन लोगों के अंदर ज़रूर रहती है, और ये लोग ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजिशन भी इन लोगों को लाइफ में मिलता है, और थोड़े से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मतलब बहुत आसानी से आप इन लोगों को जान नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा वैसे इन लोगों का नेचर रहता है, पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्थी भी होते हैं। अब देखिए अगर किसी भी पर्सन का जन्म इंद्रा और महिंद्रा योग में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होते हैं, लर्न्ड होते हैं, मीन्स एडुकेटेड होते हैं, स्टडीज़ में इन लोगों का इंटरेस्ट रह सकता है, नॉलेजेबल होते हैं, हेल्पिंग नेचर इन लोगों का रहता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में ये लोग रह सकते हैं, एक पावरफुल पर्सनैलिटी इन लोगों की रहती है, और ये लोग अपने फैमिली के सबसे बेस्ट पर्सन माने जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा शुभ योग है अगर इस योग में किसी का जन्म होता है तो। अब अगर किसी भी पर्सन का जन्म वैधृति योग में होता है तो देखिए ये सबसे लास्ट योग है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये लोग वेल्दी रहते हैं, और पर इन लोगों के नेचर में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस जो स्वभाव है वो देखा जाएगा, मतलब थोड़े से रेस्टलेस होते हैं ये लोग और कैलकुलेटिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि दूसरों को ब्लेम भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम करते होंगे ऐसा देखा गया है। इन लोगों का जो नेचर है उसमें एक कनिंगनेस भी देखा जाएगा, मतलब
मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो चालाकी वाला थिंग है वो भी आप इन लोगों के स्वभाव तो में देख देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे 27 नित्य योग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आप इस योग को लेके मतलब डिफरेंट वीडियोस चाहते हो, मतलब एक एक वीडियो में एक एक योग को लेके मैं बोलूँ तो वो भी मैं बोल सकती हूँ डिटेल में। तो अगर आप वो चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।